हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से झिड़काते हैं, भगाते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं। जो नौकरी के प्रार्थना क्रमाए हैं पिता, उन सब को योग्यता से बढ़कर उनको नौकरी देने जा, जो बीमार पड़े हैं उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याएं उनके जीवन में कार्य कर रही, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से दूर भगाते हैं। अपने पंखों तल छुपाए रख, जहां कहीं भी है प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठ नाम समाज साथ यो पास्टर प्रचारक जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में आपकी मालियों के समस्याओं के लिए, प्रॉब्लम्स के जो बीमार पड़े हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। दिन भर आशीष के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को पूरा सुन के जाइए, परमेश्वर आपको दिन भर ब्लेसिंग देगा और पंख तेरे छुपाए रखेगा। हालेलुया, वीडियो को देखने के बाद सभी जाने पहचाने वालों को भेजिए ताकि आपकी तरह व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। जिन भाई बहन दान रस दशमान भेजिए, सबको आशीष दे। वचन को सार 100 गुना आप सबको वापस मिले। अगर हम दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा। हम शक्ति अपनी इच्छा को दान राशि भेज सकते हैं और दशमांश डाल सकते हैं। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर और समय भेजिए। हम इस बड़े बोझ आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। इसका सारा आदर महा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आगे के पद में लिखे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। हालेलुया, मैं पियो यहाँ पर भजनकार लिख रहा है प्रभु से अपने सारे पापों के लिए माफी मांग रहा है। मेरे पियो, हम भी अपने सारे गुनाहों को जो आज तक करते आए हैं उन सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगने वाले हो जाए और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। आगे लिखा है, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैं पियो, हम अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान ले और उससे प्रार्थना करें, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और अपने राज्य का वारिस बना। जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानेंगे तो प्रभु हमारे अपराधों को धोएगा और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करेगा और अपने राज्य का वारिस बनाएगा। तो मेरे पियो, आज ही जो आज तक आपने गुनाह किए हैं जाने अनजाने में, उन सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांग लीजिए और भविष्य में ना करने का उससे वादा कीजिए। प्रभु आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और देखने के बाद सभी जाने पहचाने वालों को भेजिए ताकि वो भी यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया, 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 बारी बाउल बर तम जय हम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी 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 अबारी बाउल खराबर रक्तम जय हम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता, आपने सुनाए दिया एक नया दिन दिखाया हम सबको पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, सारा आदर मय प्रशंसा तुपित करते हुए हम धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना में भेजे हैं पिता और वीडियो को प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ तो उससे प्रार्थना करते हैं। दीमा करी मगवाई का में सहायता कर, बुरे व्यक्ति बुरे बचारक जहां कार्य करने जाते हैं इन सब को कार्यों में सफलता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए पिता। स्कूल कॉलेज में सहायता, घर में कार्य करने में सहायता, कतराम सुरक्षा प्रदान कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। इन सब के जीवन में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, ये जैसे घर को जाते हैं शाम को ब्लेसिंग के साथ इस सबको घर वापस आने पाए पिता। तूने लाया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज के सुबह पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर नौकरी खोजने जाएंगे, जॉब मांगने जाएंगे, जॉब
सर्च करने जाएंगे पिता। ये जहां जाते हैं पिता इन सबको इनके जॉब में ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। ये जितने के प्रार्थना क्रमाए हैं शारीरिक उतना नहीं बल्कि उससे योग्यता से बढ़कर अच्छे पोस्ट नियुक्त करने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन पिता जॉब जो एग्जाम दिए हैं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं उन सबको तुमने सफलता प्रदान कर इन सबको दिया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता चिंताओं में बहुत से दबे हुए हैं, अंधकार की आत्माएं चारों तरफ घेर के बैठी हुई है, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, हर एक काम कर रहे हैं लेकिन असफलता ही हाथ लग रही है। प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर के चारों ओर बांधते हैं, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। उस घर में पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की आत्माएं बुरी आत्माएं टोंझदी की आत्माओं को हम निकाल फेंकते हैं, उस घर को हम तेरे नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। मेरे पियो चिंता है चिंता मत करिए, अपनी चिंता यीशु मसीह को दीजिए, वो आपकी चिंता करता है, बोझ से दबे हुए हैं चिंता ना करो मेरे पियो, यीशु मसीह आपकी बोझ लो करने तैयार है। आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं चिंता ना कीजिए मेरे पियो, प्रार्थना कीजिए काम में सफलता मिलेगा। आज तक अपने बुद्धि बल ज्ञान के बल पैसे के बल पर जान पहचान के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश किए हो लेकिन आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल पाई है जैसे आप चाहते थे उस प्रकार से, तो मेरे पियो आज से कहना चाहता हूं अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कीजिए, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए और उसके वचनों पर चलिए और हर एक काम में उसके नाम को सर्वप्रथम रखिए। प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा, आप जहां जाना चाहते वहां नहीं बल्कि उससे अधिक आपको प्रभु देगा। आपके रास्ते बंद नजर हो सकता है, आपके रास्ते खुले नहीं हो, आपके रास्तों पे दुश्मनों ने कांटे भी छा के रखे हो, चिंता मत कीजिए मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाइए। प्रभु आपके दुश्मनों को लज्जित करके घुटनों के बल आपके मुंह से आपके पास से भगाएगा, क्योंकि आपके पीछे और आपके आगे दाएं बाएं चलने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग वास करता है। जिस दिन भी समस्या चिंताएं उसको बता देंगे, अपना बोझ उसको देंगे, वो आपकी तरफ से काम करने वाले हो जाएगा और आपके बंद रास्ते को वो खोलेगा, वरन खोल चुका है। जिस विषय के लिए प्रार्थना करें विश्वास कीजिए आपको मिल चुका है, आपके रास्ते खुल चुके हैं। प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़िए विश्वास के साथ, प्रभु आपको उसमें ब्लेसिंग देगा। प्रभु जी इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन वीडियो को शेयर कर रहे हैं दूसरों का जीवन बचा रहे हैं पिता, इन सबको तुम आशीष प्रदान करेंगे, कार्यों में सफलता पर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भाई बहन दान राशि दसमान भेजे हैं हर एक को तुम आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए, वो जितना भेजते हैं पिता वो उतना नहीं बल्कि उसे 100 गुना उनको वापस देने जा रहा है, उनके खत्ते हमेशा भर रहे पिता, हर एक घटी कमी को उनके बीच पूरी करने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने पैसे बचते हैं पिता उस पैसे को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं, महीने बचलाने में सहायता कर, वरन पैसा उसमें बच जाए, हर एक फालतू खर्चे के आत्माओं को उनके जीवन के घर से हम निकाल फेंकते हैं। इन सबको तुम आशीष प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में रह कार्य करते हैं, उनकी समस्याओं की बीमारियों के लिए प्रॉब्लम्स के लिए जो बीमार पड़े हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, उस जगह में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो पिता परमेश्वर समस्याओं में घिरे हुए चारों तरफ समस्याएं नजर आ रही है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे व्यक्तियों के लिए घरानों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य चमत्कार कर पिता, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से झिड़काते हैं भगाते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं। उनके जीवन समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो और तुझसे बड़े नहीं हो सकती, उन सबको समस्याओं का समाधान दे दिया है, रास्ता खोल दिया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते। जो नौकरी के प्रार्थना क्रमाएं हैं पिता, उन सबको योग्यता से बढ़कर उनको नौकरी देने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, और जहां कहीं भी सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, जो बीमार पड़े हैं उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं, जो समस्याएं उनके जीवन में कार्य कर रही हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से दूर भगाते हैं
अपने पंखों छुपाए रख, जहाँ कहीं भी है तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। इन सब की प्रार्थना सुना प्रभु जी, उत्तर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सभी भाई बहन प्रार्थना करते हैं जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य चमत्कार कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन से पिता परमेश्वर अंधकार की आत्माओं को हम निकाल फेंकते हैं, दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं, और उनके जीवन को हम आजादी की घोषणा करते हैं। प्रभु हमें चेहरे उस घर के चारों ओर बांधते हैं, जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस घर में तेरे नाम की वहां प्रकट होने पाए, वचन की शांति, वचन के प्रकाश से वो जिया, तेरे सामर्थ नाम से आज जा पिता, हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जो बच्चे कैसे प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सबको तू ब्लेसिंग दे पिता, यही सब हर एक बच्चे कैसे तृप्त कर पिता, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के घर के गाँव के शहर प्रकट हो जाए। तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जो कई महीनों कई साल बीमार पर दवाई खा के थक चुके बारी उनके शरीर से नहीं जा रही है, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। और जहां कहीं भी रहते हैं, घर में हो चाहे बाहर में हो चाहे विदेश में हो, हर एक जनों को हम तेरे नाम चंगाई की घोषणा करते हैं, और जिस जगह प्रार्थना को सुना घर के चारों तरफ बांधते हैं, जगहों को तेरे चारों तरफ बांधते हैं, तो परमेश्वर हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंप, जो मार पड़े हैं आइए मेरे पियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, घुटनों पर टेक कर अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए, और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया था, उद्धार को प्राप्त करेंगे। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं अपराधी हूँ, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, अपने राज का वारिस बना, मैंने जान गया तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही जीवतों का परमेश्वर है, तू ही प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, मैं थके मान तेरे पास आया हूँ, और विश्वास करता हूँ तो मेरी समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, पीढ़ी से पीढ़ी चले बीमारियाँ, पीढ़ी से पीढ़ी चले शराब के बंधन वो टूट जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी आपको आशीष को प्राप्त करेगी। पिता परमेश्वर इन सबको हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, ये जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके समय कार्यशील हो जाए, इनके हाथ उनके पैरों के शरीर में नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक जनों को हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, इन सबको चंगाई दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना घर में चेहरे उस घर के चारों ओर बांधते हैं, जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। निम्न कार्य में अगुवाई कर, जिनमें सहायता कर, बुरे व्यक्ति बच्चों को बचाए रख, जहाँ कार्य करने जाते हैं इनको सफलता प्रदान कर पिता परमेश्वर, हर एक रोका हुआ काम यीशु नासरी के नाम में पूरी होने पाए। तो इन सबको तू आशीष प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग आज के दिन हॉस्पिटल जाएंगे चेकअप की बीमारियों को, हॉस्पिटल जाने से पहले बीमारियों के शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट यीशु नासरी के नाम में नरमाने। प्रार्थना सुन धन्यवाद, प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र समर्थी नाम यीशु नासरी का नाम मांगता सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के संत प्रार्थना को देखिए, प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन और आपके घर में कार्य करने जा रहा है। विश्वास के साथ देखिए, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो ही प्रभु की महिमा को हम रिसीव करते हैं। तो विश्वास के प्रार्थना को देखिए और अपने जीवन अपने घर में आशीष को प्राप्त कीजिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।